वाली है, ये सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, ये मुकम्मल स्कूटी को ये BRG 1200 वाट में 6 बैटरियों के साथ है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर? सर ये डबल रिमोट है, दो अदद कीज हैं, और ये NFC का भी सिस्टम है। ये 25 की स्पीड है, लेकिन बैटरी डाउन है 25, ठीक है। और इसको सेकंड भी दिखा दें सर, 34। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुजनपुर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि गुजनपुर अब्बास के नाम से। तो जी इस वक्त मैं आया हूँ अल वारिस ईवी सेंटर पे। अच्छा, तो इस वक्त जिस आपको ईवी का मैं रिव्यू करवाने वाला हूँ, ये बिल्कुल ही न्यू कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी है। मुझे एक बंदे ने इसके बारे में बताया था, तो मैं इस शोरूम पर आज आया हूँ। और मेरे साथ हैं इस वक्त मलिक हनीफ रान साहब। कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। ये जी शोरूम के ओनर हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सर ये कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी की? ये सर BRG कंपनी है, बेरिंज, टोटली इंपोर्टेड कंपनी है ये। टोटल गाड़ी स्कूटर, इसको आप ईवी स्कूटी ना कहें, इसको आप स्कूटर कहें। ये स्कूटियों की कंपनी का ये बादशाह है मॉडल। जो ये मॉडल है ये बहुत ही लाजवाब मॉडल है। अच्छा, आप ये कहने का मतलब है कि ये उन सब जो बाकी स्कूटर बाकी कंपनीज की ईवी है उन सब का ये बादशाह है। हम समझो कि मैं कहता हूँ कि बहुत इसमें फ्यूचर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है। ठीक है, सबसे अलग है। तो सर इसका पूरा मॉडल क्या है, नाम क्या है इसका? इसका सर ES20 मॉडल है, BRG 1200 वाट में 6 बैटरियों के साथ है। मार्केट में आपको 1200 वाट 5 बैटरियों के साथ मिलेगा, इसके अंदर 6 बैटरियाँ हैं और ये 1200 वाट है, और इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा फ्यूचर है, वो सारा मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, तो सर इसमें यार बाकी स्कूटीज में डिफरेंट क्या है, वो उसने पहले बता दें। सबसे बड़ी बात जो डिफरेंस वाली है, ये सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, ये मुकम्मल स्कूटी को ये पाँव रखने के लिए पायदान है, और ये पीछे भी पाँव रखने के लिए पायदान है, और मुकम्मल गाड़ी की सेफ्टी ग्रिल है। पीछे से इसका मड़गार्ड जाके देखें, बहुत ही लग्जरी मड़गार्ड है और इम्पोर्टेड है, ऐसे कि जैसे हैवी बाइक का नहीं लगा होता। और दूसरी बात ये है कि टूल बॉक्स एक्स्ट्रा अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा टूल बॉक्स के साथ है। सीट के नीचे भी इसकी स्पेस है, एक्स्ट्रा टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर आप एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हमारे से पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले ऑफिस डिलीवरी बॉय हमारे से लेके जा रहे हैं, और बड़े वो खुश हैं इससे। तो सर ये जो सेफ्टी है ये कंपनी की तरफ से लग के आती है या आपने खुद लगाई है इसको? ये सर कंपनी की तरफ से कह के लगवाई है हमने, कंपनी को स्पेशल कहा है कि हमारा मॉडल जो है और कंपनियों से मुख्तलिफ ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी बिल्कुल समझ चुका हूँ। तो मैं व्यूअर्स शो के लिए मैं माजरा चाहूँगा, क्योंकि देख सकते हैं बैर बहुत ज़्यादा शोर है, उसके लिए मैं माजरा चाहूँगा। सर आप थोड़ा सा उधर से आ जाएं, इसके बारे में बताएं, इसमें सर कितने वाट की मोटर दी गई है? इसमें सर 1200 वाट की मोटर है। और बैटरी? 6 बैटरी है इसके अंदर। कितने वाट की है सर? 2860 में है ये। अच्छा 72 वाट 28 एम्पीयर में। तो सर ये रेंज क्या देती है, कंपनी क्लेम बता दे। कंपनी क्लेम ये एक चार्जिंग पे आपको देगी 90 से 85 किलोमीटर एक चार्जिंग पे, और एक्यूरेट ये नहीं कि कस्टमर बाकी मार्केट में बताते हैं कि ये 150 किलोमीटर चलेगी हमारी 1200 वाट, उनके मीटर एडवांस होते हैं। इसका GPS के साथ मीटर कनेक्ट है, और GPS के साथ बिल्कुल क्लियर मीटर चलते हैं। आप कार के साथ चला के देखेंगे वही स्पीड जो मीटर पे होगी, और कार की दोनों एक ही स्पीड होगी, एडवांस नहीं चलेगा। सफर हो जाता है 100 किलोमीटर लेकिन मीटर शो कर रहा होता है 200 किलोमीटर। इसका ऐसा कोई फेक सिस्टम नहीं है, इसका बिल्कुल एक्यूरेट सब सिस्टम है अपना। और कितनी देर के अंदर ये फुल हो जाती है? ये फुल चार्जिंग 6 से 7 घंटे लगते हैं फुल चार्जिंग के ऊपर। ठीक है सर, इसको पहले इसकी कीज दिखा दें, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर? सर ये डबल रिमोट है, दो अदद कीज है, और ये NFC का भी सिस्टम है। ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, ये NFC ये किसी में भी अभी तक नहीं आई। सर मैं दिखाने जा रहा हूँ ये NFC जो आपको सिस्टम बता रहा था, ये देखें माशाल्लाह जी, इसमें NFC भी दिया गया है। कीलेस है गाड़ी, कीलेस है, आप की को जेब में डालें गाड़ी चल रही है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो माशाल्लाह मिलेगा, और इसको सर फर्स्ट गियर पे लेके आए, इसकी स्पीड दिखा दें। और इसके अंदर 4 मोड हैं। क्या स्पीड है इसकी फर्स्ट पे दिखा दें? अच्छा ये फर्स्ट पे तकरीबन 25 की स्पीड है, लेकिन 20 बैटरी डाउन है 25 अच्छा, की स्पीड 24 25। ठीक है, और इसको सेकंड भी दिखा दें सर, 34 33 की ये शो कर रही है, 35 शो करती है दूसरे मोड के ऊपर। तो और इसके अंदर 4 मोड है। अच्छा माशाल्लाह,
ये जी 43 थर्ड मोड पे दिखा रही है और चौथे भी दिखा दे। अच्छा ये मैंने फर्स्ट भी देखे जिसमें चार मोड आपको मिलेंगे, 51 की स्पीड है इसकी टॉप की। स्पीड जो है फुल स्पीड 55 है। अभी जरा बैटरी डाउन है, इधर हम चलाते हैं ना, ये देखें नजर जी, ये चेक कर सकते हैं बैटरी डाउन है जिसकी वजह से सर कह रहे हैं इसकी स्पीड कंट्रोल भी है माशाल्लाह। आप देखें मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया, चल रही है वो। कहाँ से लगता है सर ये? सर ये इसका बटन क्रूज कंट्रोल। अच्छा ये रिवर्स का है? रिवर्स दिखा दे। ये क्रूज कंट्रोल है, रिवर्स लगा के दिखा दे। एक बार क्लिक करना पड़ेगा या क्लिक करके रखना पड़ेगा? क्लिक करके रखना पड़ता है रिवर्स तो। हाँ, वो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा रिवर्स कितने में करता है सर ये? तो जी देखें रिवर्स। अच्छा ये चेक करें, रिवर्स पे स्पीड शो नहीं कर रहा लेकिन रिवर्स करता है। उसके बाद सर इसकी हैजर लाइट इसमें दी गई है और मैं कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, वो दिखा दे लाइट्स के। देखिए अच्छा इसके इंडिकेटर दिखा दे। माशाल्लाह जी ये चेक कर सकते हैं आप इसके इंडिकेटर सर। अच्छा ये ऊपर है। हाँ ये चेक करें जी, इस तरह से इसके आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो सर मैं इसके अभी टायर्स पे आता हूँ, तो ये कितने इंचेस के दिए गए हैं? ये सर 10 इंच के टायर। अच्छा और इसमें डिस्क ब्रेक मिलेगी, ये कौन सी डिस्क ब्रेक है सर? ये डिस्क ब्रेक जैसे सबसे अलग ही है, इम्पोर्टेड डिस्क ब्रेक है। ठीक है। और इसके अंदर आपको रिम नहीं मिलेगा, अलॉय रिम मिलेगा, इस तरह से है ना, दिखाएं जरा जी। और किसी भी कंपनी में अलॉय रिम सिस्टम नहीं दिया गया, वाइट ब्रिज कंपनी है BRG, इसके अंदर अलॉय रिम सिस्टम और इसके शॉक भी बड़े हैं। ठीक है, समझे कि स्कूटर है, स्कूटी नहीं है, स्कूटर है। इसके ऊपर आप बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल आप लगेंगे। और इसके अंदर शॉक भी अलग क्वालिटी के दिए गए हैं, अगर कोई बुजुर्ग या कोई मरीज इसको किसी किस्म का कोई पेशेंट भी चलाना चाहे तो ये चला सकता है, ताकि यानी कि जंप धक्का वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके ऊपर 3 सवारियां आराम से बैठ जाती हैं। ये बड़ी सीट है इसकी। ठीक है, सीट भी और लेदर सीट दी गई है इसकी सीट की, देखें कि लेदर सीट है। माशाल्लाह जी ये चेक कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद मैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पे आऊंगा। माशाल्लाह ये भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। माशाल्लाह आजकल अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मतलब ऊंची मिल रही है। और पिछले टायर पे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, ये चेक कर सकते हैं आप। तो सर मैं इसकी, अच्छा एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जो पैसेंजर यहाँ पे ड्राइवर होगा वो अपना पाँव यहाँ पे रख सकता है, इसको ऊपर करना चाहे तो कर सकता है, और इसको भी पीछे वाला अपने पैर यहाँ पे रखेगा। बाकी जो इसकी अपना बैटरीज है वो यहाँ पे दी गई है, इसको एक सेकेंड। माशाल्लाह ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको चार्जिंग पोर्ट भी है, चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर स्कूटी चार्ज करने के लिए पोर्ट भी अलग से दी गई है। ठीक है सर, इसकी स्पेस ओपन करके दिखा दे, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर सर इसका एक वारंटी कार्ड मिलेगा, जो कि एक ईयर की इसकी वारंटी है मोटर की, 1 साल की बैटरियों की वारंटी है, 18 माह की इसकी मोटर की वारंटी है, 18 माह की कंट्रोलर की वारंटी है। सर इसका चार्जर दिखा दे, चार्जर देखना सर ये कौन सा मिलेगा, ओपन करके दिखा दें सर। तो जी इसका चार्जर भी बहुत ही आला क्वालिटी का चार्जर। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं इसका चार्जर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना रेड लाइट शो करेगा जब चार्जिंग होगा, बाद में ग्रीन लाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये 60 वाट 4 एम्पीयर का इसका चार्जर है। और इसके मिरर सर एक बार दिखा दें। अच्छा यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं, मैं आपको माशाल्लाह ये देख सकते हैं। तो सर इसमें 2 स्पेस मिलेंगे, एक ये वाली स्पेस है जी। ये कितने लीटर की है सर, कितने लीटर का तक सामान इसमें आ जाता है? इसके अंदर तकरीबन 20 लीटर आ जाएगा। अच्छा 20 लीटर का सामान सर कह रहे हैं इसमें आ जाएगा। और सर इसको ओपन करके दिखा दें, ये जो सेकंड स्पेस है इसकी, इसके देख लेते हैं। तो जी ये चेक करें, इसमें भी आप अपना हेलमेट और बाकी अपना इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा इसमें नीचे इस टाइप का आपको ये वाली स्पेस मिलेगी। तो सर इसकी बैक लाइट दिखा दें सर, इंडिकेटर्स भी माशाल्लाह ये चेक करें, बड़ी खूबसूरत सी इसमें ये लाइट्स दी गई हैं। और ये इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट दी गई है, हेडलाइट जब जलाएंगे ये साइड पे भी लाइट जलेगी माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि अगर कोई साइड से भी चीज आ रही है तो वो देख सकता है, अगर कोई साइड से चीज आ रही है तो वो देख सकता है कि नीचे लाइट जल रही है, एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम है। अगर कोई चीज आके इसके अंदर हिट भी करती है तो ये जो सेफ्टी ग्रिल दी गई है, बॉडी पार्ट्स को इसका नुकसान बहुत ही कम होगा। तो सर इसकी प्राइस भी आता हूँ, वो क्या है? इसकी प्राइस सर 2,05,000 रुपए। 2,05,000 माशाल्लाह, ये चीज़ आपको 2,05,000 की मिलेगी। बाकी हमने सब कुछ इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक चीज इसका हारन, ठीक है हारन भी क्वालिटी वाला लगा हुआ, अच्छी क्वालिटी वाला है हारन भी सही सर।
आप कंपनी अपनी की तरफ से सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर कोई बंदा आपसे ले जाता है, उसकी बाइक खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कोई बंदा आप भेजेंगे वहाँ पे उसको? जी सर, बिल्कुल भेजेंगे हम। आफ्टर सेल भी फुल ऑफ फुल यानी कि एक्यूरेट तरीके से देंगे और बहुत ही पावरफुल है हमारी आफ्टर सेल। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। ये जी इनके शोरूम का कार्ड, इनका नंबर ऊपर मेंशन किए गए हैं, और जो ऊपर वाला जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है, हनीफ साहब का नंबर है। बाकी जो इनकी लोकेशन है, पुराना खानीवाल अड्डा नेस्ट मछली मार्केट चौक मुल्तान। और ये जी इनके शोरूम का लोगो, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ऊपर इनके नंबर भी दिए गए हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।